कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। कल डॉक्टर ने तुम्हारे पेट में लड़की को बताया, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? हाँ माँ जी, पता है। जा अभी जाके सो जा। ठीक है माँ जी। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सबने मेरी किस्मत का फैसला भी कर दिया। माँ आपकी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब आप खाना खाने के बाद मीठा खा रहे होंगे तो मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दूँगी। मेरी पढ़ाई की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से खुद पढ़ लिख जाऊँगी। और हाँ माँ, पिताजी से कहना कि मेरे दहेज की चिंता न करें, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी माँ, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्च मत करिए। मैं भगवान जी से खुद कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। चलती हूँ माँ। चलो बहू। ओह ये अच्छा हुआ अपना था। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। माँ जी मुझे कुछ आपसे कुछ कहना है। नहीं संकोच कहो बहू। माँ जी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी और हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? माँ जी अगर आपके परिवार वालों ने और मेरे परिवार वालों ने इसी प्रकार सोचा होता तो आज यहाँ इतना बड़ा परिवार नहीं होता। बच्चे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और बेटी बेटी तो परिवार की धुरी होती है और आप उसी धुरी को मिटा देना चाहती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। उठो बहू उठो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब चाहे हमारे घर नन्नी परी आए या नन्ना राजकुमार, हमें उसके स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो